तो इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची के ऐतिहासिक बड़ा तालाब में। छठ महापर्व का मौका है, आज अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को लोग नमन करेंगे और पहला अर्घ देंगे। आपको तस्वीरें मेरे पीछे साफ दिखाई पड़ेगा कि रांची का बड़ा तालाब है। तमाम व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर व्यवस्था के लिहाज से, हर तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार हो, प्रशासन हो, नगर निगम हो या फिर NDRF की टीम, हर कोई यही चाहता है कि आने वाले छठ व्रतियों की छठ जो है वो सकुशल संपन्न हो और भगवान भास्कर को नमन किया जा सके। आज छठ महापर्व का पहला अर्घ है, जब छठ व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास में है और भगवान भास्कर को इसी उपवास के दौरान अर्घ देंगे, नमन करेंगे, अपने परिवार के सुख समृद्धि शांति और कल्याण के लिए दुआएं मांगेंगे। रांची का बड़ा तालाब ऐतिहासिक तालाब है, ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। खासकर इसके लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, NDRF की टीम की ओर से हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। कुछ इसी तरह का नजारा रांची के विभिन्न छठ घाटों में, जलाशयों में देखने को मिलता है, लेकिन खास तौर पर बड़ा तालाब जो है, यहाँ जो है साज सजावट की बात करें तो हर तरह से तैयारियां कर ली गई है। हम आपको दिखा दें अंदर की तस्वीरें कि अंदर जो बैरिकेडिंग बनाई गई है रस्सी से छेका गया है, डेंजर खतरा का वहां पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, वो इस बात को दर्शा रहा है कि इसके आगे छठ व्रती हो या कोई और, किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि ये एक दायरा होता है जिसके आगे पानी की गहराई ज्यादा है। इस लिहाज से यहाँ सुरक्षा के ये इंतजाम है और लोगों को बताया गया है कि इसके आगे नहीं जाना है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों से बात करते हैं। सर, बड़ा तालाब है, हमेशा से छठ बड़ा ही ऐतिहासिक होता है, यहाँ आप लोग भी देखने आते हैं, कैसा लगता है? ठीक लगता है, अच्छा लगता है। भीड़ काफी संख्या में होती है यहाँ, काफी संख्या में। कुछ छोटी बच्ची है, आप देखने आते हो यहाँ छठ? नहीं, कभी कभी आती है। कहाँ से? बिल्कुल, लोग जो है वो देखने आते हैं छठ महापर्व को यहाँ से। कुछ युवतियां महिलाएं हैं, इनसे भी पूछेंगे। अच्छा, छठ महापर्व बड़ा ही ऐतिहासिक होता है रांची में, आप लोग भी आते हैं देखने, कैसा लगता है? हम तो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नाज परवीन। अच्छा, देखा जाता है कि हिंदुओं का ये त्यौहार है, मुस्लिम भी बड़ा ही इसे प्रेम से सब लोग देखते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे का साथ, एकता अखंडता, यही हमारी पहचान है, क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल ये सही बात, होना भी चाहिए। हम लोग जब समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें सबके साथ और सबसे मिल के ही रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे के पर्व त्योहार में सपोर्ट और कोऑपरेट करना चाहिए। तो यही तो हमारे देश का सबसे अच्छा ये है कि सभी लोग यहाँ मिल के रहते हैं, तो पर्व त्योहार में भी एक दूसरे का भागीदार बनना चाहिए। बिल्कुल, तो आपके कुछ दोस्त भी होंगे, कुछ लोगों ने आपको बताया होगा कि छठ का क्या महत्व है? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत सुनते हैं। क्या कुछ आपको जानकारी? यही कि बस पूजा पाठ उनका कुछ है अपना। हाँ जी, तो वही आज घाट पे आएंगे, पूजा पाठ करेंगे। बिल्कुल, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और धर्म निरपेक्ष देश हिंदुस्तान में कुछ इसी तरह का कल्चर है, कुछ इसी तरह के लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव है कि हर एक त्यौहार को लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपने सुना कि नाज परवीन क्या कह रही है, उनका यही कहना है कि त्यौहार कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, हम सभी मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और झारखंड में इसका ऐतिहासिक रूप देखने को मिलता है। कुछ यही नजारा रांची के विभिन्न छठ घाटों में देखने को मिल रहा है, तमाम तैयारियां हो गई है और रांची में बस अब कुछ ही क्षणों में छठ व्रती आएंगे और भगवान भास्कर को नमन करेंगे। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।